शादी विवाह के दौरान दहेज लेने की प्रथा कई वर्षों से चली आ रही है। हालांकि आज भी लोग मुंह खोलकर दहेज मांगते हैं, या ये भी कहा जा सकता है लड़के पक्ष के लोग लड़की से शादी करने के एवज में मोटी रकम, कार, कई महंगी चीजें मांगते हैं। लेकिन कुछ लोग इसके सख्त खिलाफ होते हैं और ऐसे लोगों को ही समाज में एक ऊंचा दर्जा दिया जाता है। आज इस खबर में हम आपको ऐसे ही एक शख्स के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने अपनी शादी के दौरान पूरे 11 लाख रुपए का दहेज लेने से मना कर दिया और उनके इस कदम से हर जगह उनकी चर्चा हो रही है और उनके इस कदम की जमकर सराहना की जा रही है। दरअसल राजस्थान के जयपुर में CISF जवान जितेंद्र सिंह ने अपनी शादी के दौरान 11 लाख रुपए का दहेज लेने से मना कर दिया। दरअसल उनका मानना है कि हमारे देश से दहेज की प्रथा खत्म होनी चाहिए। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से जितेंद्र सिंह और उनके पिताजी देश के हर लोगों से दहेज ना लेने और ना ही देने का एक सुंदर सा मैसेज दे रहे हैं। जय माता दी। मैं राजेंद्र सिंह खरेस हमने टीके के 11 लाख रुपए लौटा कर अपने स्तर पर समाज की इस दहेज रूपी कुरीति को मिटाने के लिए एक छोटा सा प्रयास किया है। चंचल हमारी बहू नहीं बेटी समान है, इसके गुणी हमारे लिए दहेज है। हम चाहते हैं कि ये खूब पढ़े और अपने लक्ष्य को हासिल कर RJS बने और बच्चों के लिए एक उदाहरण पेश करे। इसको पढ़ाने के लिए मेरा पूरा परिवार इसकी सहायता करेगा और समाज के सभी परिवारों से अपील करते हैं कि आप भी अपनी बेटियों और बहुओं को अपने बच्चों के समान अवसर दें ताकि ये भी आपका और आपके परिवार का नाम पूरे समाज में रोशन कर सके। जय माता जी। साहब, मैं जितेंद्र सिंह खरेस, मैं आपके माध्यम से मैसेज देना चाहता हूँ। मैं देखिए मिलिट्री में जॉब करता हूँ और राजपूताना से हूँ, तो एक राजपूताना और एक देश का सैनिक होने के नाते मैं सभी को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अपनी शादी में युवा इस दहेज रूपी कुरीति को नकारे और टीके का विरोध करे। इसी कारण दहेज के कारण बहुत से लोग अपनी बेटियों को घर में ही मार देते हैं। जब देश का युवा इन सब मुद्दों पर आगे बढ़ेगा, एक स्टेप आगे लेके इन सबके खिलाफ खड़ा होगा, तो इस कुरीति को रोकने में बहुत जल्दी हम सफलता प्राप्त करेंगे। इसलिए मैं आपके माध्यम से यही मैसेज देता हूँ कि बेटे बेटियों को फर्क नहीं करे, अपने बेटियों को बहुओं को भी अपने बच्चों के समान ही पढ़ाए लिखाए, खूब आगे बढ़ाए, यही असली धन है। इसलिए दहेज को खिलाफ सभी एक साथ खड़े होते हैं। वैसे आपको बता दें जितेंद्र सिंह को सगुन के तौर पर 11 रुपए दिए गए। वहीं अगर उनकी पत्नी चंचल की बात करें तो उन्होंने LLB, LLM और PhD की पढ़ाई की है। वेब 20 न्यूज के लिए राहुल की।